हरियाणा में कहा जाता है कि सबसे बुरे महकमों की सूची में बिजली निगम सबसे पहले नंबर पर है, वो कैसे आप इस केस से समझिए। दरअसल बिजली निगम ने विकास नगर निवासी एक बुजुर्ग महिला का बिजली का मीटर उखाड़कर बिजली चोरी का केस लगाया था, जिस मामले में बुजुर्ग महिला ने एडवोकेट कैलाश चंद की सहायता से न्यायालय का सहारा लिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर बिजली निगम ने बुजुर्ग महिला का बिजली का मीटर लगा दिया। लेकिन जो मीटर बुजुर्ग महिला का था उसे किसी सूरज सिंह नाम के व्यक्ति के घर लगा दिया गया और किसी सूरज सिंह नाम के व्यक्ति का मीटर बुजुर्ग महिला सोना देवी के घर लगा दिया गया। लेकिन अब कानूनी लड़ाई के बाद बिजली चोरी का केस न केवल झूठा पाया गया है, बल्कि बुजुर्ग महिला को परेशान करने के लिए रेवाड़ी कंज्यूमर फोरम ने बिजली निगम पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। ब्याज और कानूनी फीस जोड़कर करीबन 83,000 रुपये का चेक बिजली निगम ने सोना देवी को अब सौंप दिया है। बता दें कि 64 वर्षीय सोना देवी अपने परिवार के साथ शहर के विकास नगर में रहती है। 16 सितंबर 2020 की सुबह बिजली निगम के कर्मचारी मीटर उतार कर ले गए थे और एक बिजली चोरी का केस भी बनाकर 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में ना ही बिजली निगम ने कोई स्पष्टीकरण दिया और ना ही मीटर दोबारा लगाया। निगम के अधिकारियों से परेशान होकर सोना देवी ने एडवोकेट कैलाश चंद की सहायता से निगम अधिकारियों के खिलाफ 22 सितंबर 2020 को कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद कोर्ट ने जुर्माने की राशि को आधा करके मीटर दोबारा लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन यहां निगम ने फिर गड़बड़ी की और सोना देवी का मीटर सूरज सिंह नाम के व्यक्ति के यहाँ लगा दिया गया और सूरज सिंह नाम के व्यक्ति का मीटर सोना देवी के घर लगा दिया गया। बिजली का बिल भी गलत तरीके से उनके यहाँ भेजे जाने लगा, जिसके बाद इसकी शिकायत भी अधिकारियों से की गई लेकिन कोई गौर नहीं किया गया, जिसके बाद एक नया केस 2021 में कंज्यूमर फोरम में डाला गया और फिर बिजली निगम ने बिजली का मीटर ठीक तरीके से लगा दिया। लेकिन यहाँ भी बकाया राशि 50% साथ जोड़कर बिजली बिल के साथ दी जाने लगी। इस दौरान बिजली चोरी के केस में सुनवाई चल रही थी। 13 फरवरी 2023 को न्यायाधीश पीयूष शर्मा की कोर्ट ने बिजली चोरी का केस झूठा पाया। वहीं दूसरे केस में कंज्यूमर फोरम ने माना कि बुजुर्ग सोना देवी को बिजली निगम ने परेशान किया है, जिसके बाद 15 मई 2023 को कंज्यूमर फोरम ने बिजली निगम पर 50,000 का जुर्माना लगाने के साथ साथ 11,000 रुपये कानूनी प्रक्रिया और पूरी रकम का 9% ब्याज सहित 1 महीने में चुकाने के आदेश दिए। निगम ने 1 महीने में ये पैसा नहीं लौटाया, इसलिए अब 12% ब्याज के साथ बिजली निगम ने सोना देवी के नाम 82,960 रुपये का चेक दिया है। इस केस में सोना देवी ने एडवोकेट कैलाश चंद की मदद से कानूनी लड़ाई लड़ी और सच की जीत हुई। तो ये विकास नगर मोहल्ले का रेवाड़ी का मामला है। बिजली विभाग ने सोना देवी के घर पे एक झूठा चोरी बिजली चोरी का मुकदमा दायर करवाया था। उस पे सोना देवी ने जिला न्यायालय में इसकी खिलाफ केस दायर किया, जिसके ऊपर जिला न्यायालय ने सोना देवी के फेवर में ऑर्डर कर दिया। उसके बाद में हरासमेंट वगैरह किया गया था, उसके लिए सोना देवी ने इस कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया था। कंज्यूमर कोर्ट से बिजली विभाग के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा था और 11,000 रुपये वकील फीस के लिए। तो अब 2021 में ये कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया गया था। केस दायर करने से अब तक का ये ब्याज लगा के 82,960 रुपये आज बिजली विभाग ने सोना देवी को एक चेक के माध्यम से चुकता किया है। कैसे झूठा मुकदमा निकला, जैसे आप बता रहे हो झूठा मुकदमा? देखिएगा, बिजली विभाग का इस तरह लगता है कि ये कर्मचारी है, कुछ लेन देन के चक्कर में कुछ दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम से ये समझौता कर लीजिए या नहीं तो हम झूठे केसों में फंसा देंगे। इस तरह परेशान करते हैं लोगों को। तो इस तरह के मामलों में अगर कोर्ट के अंदर कोई जाता है तो फिर न्याय मिलता है। इस तरह की चीज़ें पाई गई कि भाई जैसे और भी इसमें क्या जुर्माना लगाया गया, और भी कोई एक्शन है इसमें? अब अभी जुर्माने के लिए गए हैं, उसमें ऑर्डर के अंदर बिजली विभाग ने एक झूठी स्टेटमेंट दी हुई है, उसके खिलाफ हम सोच रहे हैं कि बिजली विभाग के एसडीओ के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करें, तो उसका भी विचार बनाया जा रहा है अभी।